दोस्तों सर्वेस की माने तो हर 10 में से 3 लोग कभी ना कभी डिप्रेशन के शिकार होते हैं। लेकिन मेरा मानना है आज की डेट में हिंदुस्तान में हर 10 में से 9 लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, और जिसका जीता जाता सबूत ये है कि डायबिटीज आग की तरह फैल रहा है, और जिसके फैलने का बड़ा कारण डिप्रेशन है। क्योंकि डायबिटीज केवल ओबेसिटी और मीठा खाने से ही नहीं होता है, बल्कि डिप्रेशन से जो है इंसान में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और यही चीज इंसान को डायबिटिक बनाती है। दूसरी वजह, सुसाइड के केसेस में काफी राइज आ चुका है, और सुसाइड की मेन वजह डिप्रेशन ही होता है। तीसरी और आम चीज, लोगों का इरिटेबल और एजिटेटेड बिहेवियर। देखा है आपने, हर कोई चिड़चिड़ा बन गया है, चाहे रेडी वाला हो, दुकानदार हो, ऑटो रिक्शा वाले, बस कंडक्टर्स, गर्ल्स, हर कोई चिड़चिड़ा और शॉर्ट टेम्पर्ड बन गया है। रेडी वाले या दुकानदार से 2 से ज्यादा चीजों का रेट पूछते ही वो कहने लगता है, दिमाग मत खाओ, लेना है तो सीधे लो, और ये चीज इशारा दे रही है डिप्रेशन की तरफ। ये सभी सिम्टम्स डिप्रेशन के होते हैं। सर्वेज हमें इसलिए एक्यूरेट डेटा नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करते हैं हॉस्टल्स और क्लिनिक से, और हमारा कल्चर ये है कि इन सब चीजों के लिए डॉक्टर के पास कभी ना जाना, क्योंकि किसी ने देख लिया डॉक्टर के पास तो उसे लगेगा शायद पागल हो गया है। यही चीज क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रही है। इंडिया में डिप्रेशन का हद से ज्यादा बढ़ने की वजह है कि लोग अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं हैं। जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हैं, ये सड़कों पे बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े मकान देख के कहीं ना कहीं अंदर से एक उदासी को पाले रखे हुए हैं कि उनके पास भी ये सब कुछ क्यों नहीं है। जो लोग प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, वो अंदर ही अंदर इस चीज से जूझ रहे होते हैं कि काश उनके पास भी सरकारी नौकरी होती जिससे उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलती। अब जिसके पास सरकारी नौकरी है वो उसमें सेटिस्फाई नहीं है। कुछ लोगों को लगता है उन्हें छोटी पोस्ट पे बिठा रखा है, जबकि उन्हें बड़ा ऑफिसर होना चाहिए था। और कुछ लोग तो अपनी सैलरी से ही सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें लगता है बिजनेसमैन उनसे बेहतर होते हैं क्योंकि उनके पास अनगिनत पैसा होता है। दूसरी तरफ दुकानदार को लगता है कि वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाया है, उसके पास फैक्ट्रीज होनी चाहिए थी लेकिन वो एक दुकान पे फंस कर बैठा है। अब जिसके पास फैक्ट्री है वो इस चीज से परेशान है कि उसका कॉम्पिटिटर तो उससे 10 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, तो इसकी फैक्ट्री क्यों पीछे चल रही है। ऐसा लगता है हर किसी ने कसम खा रखी है कि उसे अपने आप को परेशान करके रखना ही रखना है। एमएलए साहब ने यही गम पाला होता है कि वो मिनिस्टर क्यों नहीं बना, मिनिस्टर ये गम लेके चल रहा होता है कि वो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना, और चीफ मिनिस्टर ये सब कुछ सोच के परेशान होता है कि अगर अगले इलेक्शन में उसकी पार्टी हार गई तो वो फिर से चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। यही गम पूरे 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर को खाता रहता है कि पता नहीं फिर से प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या नहीं। बॉलीवुड के बी क्लास एक्टर्स इसलिए परेशान हैं कि वो ए क्लास एक्टर्स क्यों नहीं हैं, और ए क्लास एक्टर्स इसलिए परेशान हैं कि उनकी सभी फिल्म्स सुपर डुपर हिट क्यों नहीं होती हैं।
दोस्तों याद है आपको बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जिसने डिप्रेशन में आके जो है खुदकुशी कर ली थी। दरअसल उसकी कहानी ये है, सुशांत ने जो है यशराज फिल्म्स के साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, यशराज के साथ उसे 3 पिक्चरें करनी थी, लेकिन उस दौरान जो है उन 3 पिक्चरों के दौरान वो किसी और की पिक्चर साइन नहीं कर सकता था। तो होता ये है, सुशांत पहली पिक्चर बनाने के बाद जो है उसे ऑफर्स आने लगते हैं बाकी फिल्म मेकर से, जिनमें से ये भी बाजीराव मस्तानी भी होती है, लेकिन सुशांत जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो यशराज भी जो है उसे अलो नहीं करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट में होके जो है बाकी फिल्म मेकर्स की पिक्चरें साइन करना। तो होता ये है, उसके बाद बाजीराव मस्तानी जो है सुपर डुपर हिट होती है, तो सुशांत सिंह जो है उसी उदासी में जो है जीने लगता है कि उसे वो ये सोचने लगता है कि अगर मैंने बाजीराव मस्तानी की होती तो आज मैं सुपर स्टार होता। दरअसल उसके नसीब में वो थी ही नहीं, ऑफर जरूर आई थी उसे, लेकिन वो दरअसल सुपर स्टार बनना जो है रणवीर सिंह के ही इसमें नसीब में था। अब सोचना, सुशांत सिंह को ये चाहिए था कि 150 करोड़ वाले आबादी वाले मुल्क में, जहां बॉलीवुड एक्टर्स जो मेन एक्टर्स जो हीरोज होते हैं वो होते कितने हैं, 8 से 10, और उनमें से भी फिर इंसान को जो है इंसान ये चाहता है कि नहीं, इन 8-10 में से भी जो है मैं टॉप पे पहुंचना चाहता हूं। यहां ही पर जो है इंसान जाती कर लेता है। हालांकि अगर यही सोचता कि 150 करोड़ वाली आबादी वाले मुल्क में मैं तो हूँ ही एक्टर, जहाँ पर केवल 8 से 10 लोग होते हैं, उनमें वो जो है उस लिस्ट में वो भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो टॉप पे जाना चाहता था, यहाँ ही पर उसने अपने आप के साथ ज्यादती कर ली, डिप्रेशन में चला गया और फिर आगे जाके जो है उसने सुसाइड कर लिया। क्रिकेटर्स के दिल में हमेशा यही परेशानी होती है कि कहीं परफॉर्मेंस डाउन हुई तो कहीं वो टीम से बाहर ना हो जाए। देखा आपने, हर किसी ने कोई ना कोई जरिया ढूंढ रखा है अपने आप को परेशान रखने का। यही चीज इंसान को डिप्रेशन की दुनिया में एंट्री कराती है। डिप्रेशन यही तो है कि इंसान का मन उदास रहना, किसी ट्रेजिक चीज को बार बार सोचना, उसे अपने दिल में जकड़ के रखना। सोचिए क्यों हम उदासी में जी रहे हैं। रेडे वाले की उदासी दुकानदार बनना है, लेकिन यहां तो दुकानदार भी उदासी में जी रहा है। दुकानदार की उदासी फैक्ट्री मालिक बनना है, लेकिन यहां तो फैक्ट्री मालिक भी उदासी में जी रहा है। प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम की उदासी सरकारी मुलाजिम बनना है, लेकिन यहां तो सरकारी मुलाजिम भी उदासी में जी रहा है। जो लोग अपने अफेयर के ब्रेकअप की वजह से उदास हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिनके 10-12 साल के डाई हार्ड अफेयर के बाद शादी होती है, वो भी शादी करके एक दूसरे से परेशान हैं। मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर, टॉप बॉलीवुड एक्टर्स, सभी लोगों के पास बहाने हैं उदास रहने के। और दोस्तों, जो वो लैला मजनू वाले अफेयर्स होते हैं, जिनमें पिक्चर्स में जो है शादी के बाद जो है हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, हालांकि असल जिंदगी में जो है हैप्पी एंडिंग शादी के बाद नहीं होती है। शादी के बाद जो है उनमें भी जो है नोक जोक होती रहती है, चिड़चिड़ापन होता रहता है। होता ये है, जो ही उस लैला मजनू की फिर शादी होती है, फिर होता ये है जो ही मजनू फिर घर में जो है चड्डी पहन के घूम रहा होता है, बिना परफ्यूम छिड़के, बिना ब्रश किए हुए, तो लैला सोचने लगते हैं यार ये मेरा मजनू तो ये है नहीं, वो तो ऐसा था नहीं। और यही हाल जो है मजनू का भी होता है। मजनू जब अपनी लैला को देखता है बिना मेकअप के, वो बर्तन मांज रही होती है, तो मजनू अंदर ही अंदर सोचने लगता है यार ये तो वो लैला थी नहीं जिसे मैं हरदम मेकअप में देखता था परफ्यूम छिड़क के। तो दरअसल असल जिंदगी दोस्तों यही है। फिर उनमें भी जो है वो खटास आने लगती है। और उन लोगों के लिए दरअसल ये नसीहत है जो यही ब्रेकअप के चक्कर में, या किसी का जो वो चाहता था किसी के साथ शादी करना, तो उसे लगता था अगर मैं उसके साथ शादी करता तो शायद मैं फिर उसके बाद खुश रहता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी के बाद जो है वो लैला मजनू वाले ये अफेयर्स भी जो है वो त्राहे त्राहे करते रहते हैं। अब देखिए, जो आप बनना चाहते हो, जिसके लिए आप उदास हो, वो भी उदासी में जी रहा है। इस सब से पता ये चल रहा है कि बड़ी से बड़ी दुनियाई चीज और बड़ी से बड़ी दुनियाई पोस्ट में सुकून कतई नहीं है। तो क्यों इस उदासी को पाल के रखा है, जब वो इंसान भी सुकून में नहीं है जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो। ज्यादा पैसे का मतलब होता है टेंशन और बीमारियां।
सोचिए अगर आपको बंगला और महंगी गाड़ी मिल जाती है और उसके बाद आप बीमारियों के शिकार होते हो, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ये सभी अमीर लोगों की बीमारियां होती हैं। और सोचो ये सब कुछ मिलने के बाद आपको डॉक्टर कहता है आज से मीठा खाना बंद, नॉन वेज खाना बंद, तेल खाना बंद, बेकरी आइटम्स आज से बंद। सोचो क्या मजा है यार फिर वो जिंदगी जीने में, क्या मतलब रहेगा फिर उस बंगले का, क्या मजा रहेगा फिर बड़ा बिजनेसमैन बनने का, क्या मजा रहेगा फिर महंगी गाड़ी चलाने का। खुश रहो यार अपने टू व्हीलर साइकिल के साथ, कम से कम जब जो मर्जी हो वो खा लेते हो। दरअसल दुनिया का अमीर इंसान वो है जो पेशाब आने पे खुद चल के टॉयलेट तक जा सकता है। दुनिया का अमीर इंसान वो है जिसे जब जो मर्जी हो वो खा ले बिना किसी डर के। दुनिया का अमीर इंसान वो है जिसे सुबह से लेकर शाम तक कोई दवाई ना खानी पड़े। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसे खाना खाके डाइजेशन के लिए किसी दवाई का सहारा न लेना पड़े। दुनिया का अमीर इंसान वो है जो दिन में 10 किलोमीटर पैदल चल सके। दुनिया का अमीर इंसान वो है जो अपनी जिंदगी सुकून में जी रहा हो, जिसके दिल और दिमाग में सुकून हो। दुनिया का अमीर इंसान वो है जो सेहतमंद हो। तो छोड़ो यार आज से सब कुछ, अपने आप की केयर करना सीखो, जिंदगी छोटी है इसके मजे लो, अपने आप से प्यार करो। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी जिंदगी, आपकी हेल्थ। बहरहाल जाते जाते आपको आनंद बख्शी साहब का एक लिखा गाना, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता चलूं जो कि हमारे आज के टॉपिक के साथ मेल खाता है। आप बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा। ऐसे क्यों जिंदा है लोग जैसे शर्मिंदा है लोग, दिल पे सह कर सितम के तीर भी, पहन कर पाँव में जंजीर भी, रक्स किया जाता है परेशान लाख सही, गुल नहीं खाक सही। जिंदगी है लाजवाब, ये वो बेवा है जनाब, खूबसूरत है जो दुल्हन से भी, बना हो सपने का भी पिंजरा है पिंजरा जी, पैसा किस काम का है, धोखा बस नाम का है। आप बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑल द बेस्ट।